वेलकम टू माई चैनल प्रोफेशनल लॉस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा एक नए शेयर के बारे में जिसमें मैंने खुद कुछ दिन पहले बाइंग करी थी। उसका नाम है बर्गर पेंट। बर्गर पेंट का ये था कि लास्ट डे मैंने ना ये 5 तारीख को जो मार्केट को फ्राइडे को मैंने खुद इसमें करीब 12-13 शेयर बाइंग किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। तो वैसे ही मुझे लग रहा था कि जैसे जिस तरह पेंट इंडस्ट्री में मुझे लग रहा कि इसमें आगे मूव होएगा। मैंने टेक्निकल देखे थे और मैंने नहीं करा था कि मेरे डीमेट में पैसे नहीं थे, तो मैंने भाई के को बोला था, उसने अपने डीमेट से ही बाई किए थे। तो 12-13 स्टॉक किए थे। आज हमें करीब देखो 722 से इसकी बाइंग थी, आज ये 768 पे पहुँच रहा है। तो ठीक ठाक सा थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसके ऊपर जैसे कई दिनों से इसमें काफ़ी अच्छे मूव हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आज है ना, मेरे पास जब नोटिफिकेशन आई थी जिसमें मेरा डीमेट अकाउंट है उसकी नोटिफिकेशन आई थी, और उन्होंने मुझे ये भेजा था कि बर्गर पेंट के बारे में, मेरा सेमको में अकाउंट है, अगर किसी ने अकाउंट खुलवाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे रेफरेंस से खुलवा सकता है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई सुनिए। जिसका खुला हो तो उसकी ज़रूरत है, कोई अगर नया बंदा हो जिसने खुलवाना हो तो सेमको से खुलवा सकता है, वो कई मामलों में ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें जो देखोगे ना आप, इनका जो करंट है आप देखोगे, इनका रिवेन्यू बना है, रिवेन्यू भी बढ़ा है ठीक है जी। और यहाँ पर ये भी 40% ग्रोथ, और प्रॉफिट भी इसका करीब 51% इसका ग्रोथ हुआ है। मतलब 51% जो इस साल का जो है ना ग्रोथ, इतना इसका बड़ा है प्रॉफिट जी, 51%। और जो अंदाज़ा था, सबसे बड़ी चीज़ का अंदाज़ा होता है, कंपनी का अंदाज़ा था इस साल में करीब उनका 255 का होगा जी करोड़, और 275 करोड़ तक प्रॉफिट पहुँच गया ठीक है। और जो लास्ट ईयर था सेम क्वार्टर, ये क्वार्टर का है, तो सेम क्वार्टर था ना लास्ट ईयर 2020 में जो क्वार्टर था उसमें 182 करोड़ के आसपास था। जो सेम क्वार्टर की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट आई है, तो इस क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर था उसके अंदर, तो इस करके आप देखोगे आज आया है रिजल्ट और शेयर में किस तरह पिछले 2 दिन से किस तरह उछाल था, और लग रहे थे कि काफ़ी अच्छा था। अब नए बायर करना चाहते हैं इसमें, जो नए लोग पोजिशन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए देखता हूँ कि उनको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सही टाइम पे एंट्री करता है और सही टाइम पे एग्जिट करता है। चलो इसके लिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अपने चार्ट पे, तो आगे आज का तो आपने देखा ही होगा, तो चलो हम इसके और चीज़ें देख लेते हैं। हम टिकट ऐप पे आगे, यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ बर्जर पेंट का हमारे सबसे पहले खुल गया ठीक है। रिटर्न वर्स एफडी से बेटर रिटर्न है। चलो कोई नहीं, फोरकास्ट पे आ जाते हैं, और चीज़ चलती है फोरकास्ट पे। देखो जो एनालिस्ट है वो अभी आपको आ गई है। अब आप किसी 22 एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है, 5% कैसे बाई करना चाहिए। अब वो तो मुझे लग रहा था, इसलिए मेरा भी शॉर्ट टर्म का ही व्यू है इसमें, तो जो नए बायर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी कहीं से कोई न्यूज़ आए तो अपने आने पर स्टडी। अब इसका देखो रिवेन्यू बढ़ा है मैं मानता हूँ ठीक है, और नेट इनकम भी आपके आ गई है ठीक है जी। ये फाइनेंशियल की नेट इनकम है पूरे साल की, ये कंपेयर है 2011 जो आया है ठीक है। और बाकी होल्डिंग देखते हैं, शेयर होल्डिंग भी पैटर्न बहुत जरूरी होता है किसी चीज़ में। अब ये देखो प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना के बराबर है, फॉरन जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी होल्डिंग है, डोमेस्टिक, ये तो चलो खैर अलग चीज़ है। अब आने टाइम देखता है कोई इसमें बाइंग करना चाहता है कोई, वैसे फंडामेंटल मुझे कोई खास लगा नहीं है ये, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी राय होती है, पर मैं लॉन्ग टर्म के व्यू हिसाब से मैं सोचते हुए कभी ये एशियन पेंट, देखो होने तो कुछ भी हो सकता है हम कह नहीं सकते, पर जो अभी का जो लग रहा है मुझे तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं लगता, अपनी स्टडी करो। पर रिजल्ट इसका अच्छा है मैं मानता हूँ, ये प्रॉफिट भी हुआ है, आने टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेगी। पर चलो कोई नहीं, एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं। वही है, दो मैं कुछ टेक्निकल लगा लेते हैं, आ जाओ जैसे लास्ट में डिविडेंड पे किया था, और जिस तरह की ग्रोथ देखो कैसी है। अब यहाँ पे करेक्शन हुई थी ठीक है जी, करेक्शन पे हमने वही है देखो
वही हमने सही टाइम पे अपने वही चार्टों से फॉलो करता, सही टाइम पे बाई करता, यहाँ से थोड़ी रिकवरी हुई थी तो अब बाई करा। तो आने टाइम में मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है कुछ आने टाइम में जो मुझे लग रहा है ये थोड़ी ऊपर जाएगा, करीब 800 तक के लेवल दिखा सकता है, ठीक है जी, 800 तक के लेवल दिखा सकता है, पर स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, क्योंकि ये ना स्टॉक ठीक होते हैं, स्टॉप लॉस जो भी है वो करीब 700 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लेके चले, 700 रुपये तक का, 700, 700 नहीं तो आप थोड़ा और कर सकते हैं, 710 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, क्योंकि इन शेयरों में शॉर्ट टर्म होता है, बस आप अपना प्रॉफिट बनाओ और निकलो, कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो नहीं करता। जैसे ये है, आप इन्हें 710 का स्टॉप लॉस लेके चलो, मैं ज़्यादा वो नहीं कहता कि मैं 2-3 स्टॉप, बस ये है। बाकी आने टाइम में मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़े और बूम आएंगे, क्योंकि इसको मैं एक आधी चीज़ और दिखाता हूँ आपको, अगर इसी चीज़ को मैं एक चीज़ और क्लियर करने के लिए दिखाता हूँ आपको, कि अगर मैं सेम चीज़ है बर्गर पेंट है, यहाँ मैं 1 घंटे की कैंडलस्टिक यूज़ करता हूँ, ये देखो जो हमारी एवरेज है ना, ये देखो अब 1 घंटे में सामने हो गया, अभी इसने जो क्लोजिंग दी है ना, ये हमारी एवरेज है, एवरेज वैल्यू, एवरेज टिकर पॉइंट है इसके। अगर नीचे अगर आप यहाँ देखोगे, अगर ये वही, अगर अगर ये पॉइंट यहाँ से क्रॉस होके यहाँ तक गया, जैसे वही है 710-715 का बताया, 20 का, 10-20 का ये है, इतने ही आपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसका, 710 का जो है, 10-12 जो भी आ रहा है यहाँ पर, इतने को आपने स्टॉप लॉस करना है। और इससे नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, मैं कहता हूँ अगर उसने उसको ब्रेक कर जो मैंने पॉइंट दिया है, तो इसमें एक और करेक्शन भी आ सकती है, पर मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ दिन करेक्शन आएगी, पर कोई होने तो कुछ भी हो सकता है, पर ये मुझे लगता है कि आने टाइम में है ना, ये करीब जो अपना यहाँ से शुरू हुआ था ना, इस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, 800 रुपये तक मुझे उम्मीद है कि जा सकता है। बाकी पर स्टॉप लॉस ज़रूर है, मैं भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलूँगा इसमें, क्योंकि मैं जितना भी था थोड़ा प्रॉफिट ले चुका हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ा देखूँगा, मैं इसे ज़्यादा अपने उस पर करूँगा ही, क्योंकि मैं लॉस नहीं होने दूंगा, मैं फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा प्रॉफिट निकाल ही लूँगा, जैसे 60 है मैं 40 से नीचे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी तो होल्डिंग है, क्योंकि अगर मैं और नीचे लगे तो मुझे तो कोई बचना ही नहीं उसमें, तो इसीलिए किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो थोड़ा अपने एंड में देख ले, पर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये थोड़ी आने में मुझे लग रहा है कि ये 800 रुपये तक है ना, 800 रुपये तक का ये जा सकता है आने में टाइम में, तो हम देख लेते हैं। बाकी जो भी है अपने एंड पे आप स्टडी करिए। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, टेक्निकल मतलब मार्केट सेंटीमेंट क्या है, टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग बाय है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सेलिंग भी है, मतलब सेलिंग का प्रेशर भी है इसके ऊपर, चलो कोई इतना बड़ा ही सुनी है, मेन अपना मेन होता है कि स्टॉप लॉस पे आप ना बस स्टॉप लॉस अपने मेंटेन कर रखो, बाकी प्रॉफिट निकाल लोगे कोई सुनी है, ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ा कम प्रॉफिट ले लो वो आपके ऊपर है, पर स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान दो। चलो मिलते हैं आज के लिए।